हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो बिल के बारे में। जो क्रिप्टो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है उसमें क्या कुछ होने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं इस पे और थंबनेल ऐसे ऐसे लगा रहे हैं कि क्या क्रिप्टो बैन हो गई है, और मतलब बहुत अजीब अजीब जो सबसे बड़ा फॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो है जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, कुछ ने तो ऐसे टाइटल दे रखे हैं बिल्कुल उसका जो उनकी हेडलाइन चल, क्या क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्या आपको अभी मतलब सारे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स बेच देने चाहिए, ऐसे ऐसे टाइटल्स लोग लगा रहे हैं, न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल लगा रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि जो नए लोग इस मार्केट के अंदर आए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, उनको इस पैनिक की मतलब जो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो रखा है, जो न्यूज़ चैनल्स ने क्रिएट किया है कि ये बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस किया ही नहीं है, ओनली बिल के बारे में बताया है। जो उन्होंने पहले जो इससे पहले वाला बिल था उसमें भी पॉइंट मेंशन किया था, तब उस पर डिस्कशन नहीं हुआ था, बट अभी इसमें जो डिस्कशन पूरा होना बाकी है, बट बहुत सारे यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल, मीडिया, बड़े भी, क्या आपने आजकल के युवा जो मतलब रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ऐसे ऐसे टाइटल देके लोगों को मतलब बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल आपने देखा भी होगा, एक दो दिन से मार्केट काफ़ी डाउन गया। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी, चाहे वो रेगुलेशन में, चाहे बैन की बात करें, ठीक है, तब भी है ना कोई इंडिया से खास फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपने देखा होगा चाइना के अंदर भी बैन हुआ था, ठीक है, तो जब वो बैन होता है ऐसी न्यूज़ निकल के आती है बाहर, तब एक टाइम के लिए मार्केट थोड़ा डिप में जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि लोग पैनिक में आ जाते हैं और सेल करते हैं, जो नए लोग होते हैं वो सेल करते हैं, और जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उस चीज़ का वेट करते हैं, जैसे ही मार्केट डाउन जाता है वो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट में प्रॉफिट लेके जाते हैं वो। तो आप अगर एक नए इन्वेस्टर हो तो आपको पैनिक होकर सेल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसा कोई बिल मतलब इंट्रोड्यूस, इन्होंने टाइटल बताया, अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के उनके जो खतरनाक टाइटल्स है, उनकी हेडलाइन है, उनको देख के अगर सेल करोगे तो कोई करने वाली बात नहीं है, ठीक है, खुद का ही लॉस करोगे, और आपने बहुत सारे लोगों ने अभी तक कर भी दिया होगा, ठीक है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब भी कोई किसी देश में बैन होने की बात आती है तो, या ऐसी कोई मतलब ट्वीट आता है किसी का, तब मार्केट में फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों जैसे बिल में बताया गया है कि गवर्नमेंट जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको रेगुलेट करेगी, बैन वर्ड को यूज़ नहीं किया है। अगर आप मान लीजिए कि एक टाइम के लिए अगर वो बैन करती भी है तो दोस्तों आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में उसको ट्रांसफ़र कर सकोगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो मतलब यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, लोगों का पैसा डूबने वाला नहीं है, तो पैनिक होकर आप सेल मत कीजिए, ठीक है, और इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप उसको सेल कर सकोगे। इन मीडिया के चक्कर में, इनके थंबनेल देखने के चक्कर में ऐसे पैनिक होके सेल मत कीजिए। दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे सबसे ज्यादा जल्दी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे अभी जो केसेस आए थे कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर भेज के, ट्रस्ट वॉलेट में भेज के आप इसको इलीगल एक्टिविटी की तरह यूज कर सकते हो, इन चीजों को रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है तो अब मार्केट डाउन जा रखा है, अगर आपने कोई कॉइन 1000 रुपए का खरीदा है उसका रेट 700 रुपए हो रखा है, तो आप एक नए इन्वेस्ट हो तो आपका लॉस ऐसे ही हो जाए। दोस्तों अभी इस बिल पर डिस्कशन होना बाकी है, तो आप वेट कीजिए, पैनिक होकर सेल मत कीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा यूथ जो इसके अंदर मतलब 2021 के अंदर आया है आरबीआई के बैन करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया था, तो बहुत लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी कि अपने लोगों का लॉस हो। अगर वो लॉस ही कराएगी उनका तो आगे उनको ही नुकसान होने वाला है इस चीज़ का, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी विंटर सेशन में इसका डिस्कशन होने वाला है, तब तक वेट कीजिए और सेल मत कीजिए और होल्ड कीजिए जो भी है आपका, और कोई भी ऐसे कोई पैनिक फैला रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी लोगों को खुद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो वीडियोस बना रहे हैं इस पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि वेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओनली टाइटल और डिस्क्रिप्शन आया है उसका, ठीक है, तो पैनिक होकर सेल मत कीजिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। दोस्तों इस पर कुछ भी कंक्लूजन आता है बिल पर तो आपको उसका वेट करना है, ठीक है, अगर बाय चांस मानिए कि अगर ये बैन होती भी है, ठीक है, तो अकेले इंडिया से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में बैन हुआ है और बहुत कंट्रीज़ को अडोप्ट भी कर रही है, आपने ये भी देखा होगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा इसको ट्रांसफ़र करने का, इसमें जो भी आपने फ़ंड लगा रखा है वो आपको निकालने का, ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको वेट करना चाहिए बिल का, और
अकेले इंडिया से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने देखा हुआ चाइना के अंदर बैन हुआ तो मार्केट डंप हुआ था, ठीक है, और उसके बाद रिकवरी भी तो हुई। तो ये ऐसी सिचुएशंस आती रहती है, ठीक है, कोई इतने डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों ने सेल कर भी दिया है तो आपको अभी नहीं कर, चाइना में बैन होने के बाद एक बार डंप भी हुआ था, ठीक है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि अभी बिटकॉइन अगर 42 लाख रुपए चल रहा है तो वो आपका 18 लाख हो जाएगा, क्योंकि अकेले इंडिया में बैन होने के कारण पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बैन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको अपनाया भी है, तो दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों को मोटिवेट कीजिए, जो आपके दोस्तों ने सेल कर दिए उनको भी शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम होशियार जानी, आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।